हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ के ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जो है आपका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। और इस बुक का आज हम लोग सेकंड चैप्टर सेकंड अध्याय पढ़ेंगे, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ठीक है, देखो इस चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं, तो अगर आपको चैप्टर समझने में कोई इशू है, कोई सी भी दिक्कत आती है, तो आप पहले एक बार नोट्स को पढ़ लेना और उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर को देखना। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग इसके लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को करेंगे, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। अब देखो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, बैठा हुआ है तो आवाज़ अजीब सी आ रही होगी, लेकिन आज के लिए मैनेज कर लीजिएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, फिर वॉइस भी सही हो जाएगी। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिका और यूरोप के किन भागों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो ऐसे कौन से भाग हैं अमेरिका के और यूरोप के, जहां पर प्रति व्यक्ति घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व है, वो 200 व्यक्ति से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो आंसर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग और यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, ये दोनों ऐसे जगह हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्तियों से अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखो, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो आपको उन कारकों के बारे में बताना है, और कौन से कारक, आर्थिक कारक। ठीक है, आपको आर्थिक कारकों के बारे में बताना है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। आंसर देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारणों में खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या की वृद्धि पद की परिभाषा दीजिए, यानी जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आंसर देखो, जनसंख्या वृद्धि या फिर जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। ठीक है, अब ये परिवर्तन धनात्मक या फिर ऋणात्मक हो सकती है। क्या बोला हमने, एक बार सुनिएगा ध्यान से, जनसंख्या वृद्धि या फिर जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय की निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है, यानी किसी एक निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय में अगर लोगों की संख्या में जो भी परिवर्तन होगा उसी को जनसंख्या वृद्धि या फिर जनसंख्या परिवर्तन कहेंगे। अब ये जो परिवर्तन है ये दो प्रकार का होता है, धनात्मक या फिर ऋणात्मक। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फोर, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि का दर सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, पूरे महाद्वीप की बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही है, तो अफ्रीका वह महाद्वीप है जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। ठीक है, प्रश्न संख्या पाँच देखो, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है। आंसर देखिएगा, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, यानी जो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर होती है, इसमें केवल जन्म दर और मृत्यु दर को ही शामिल किया जाता है। अब इसकी गणना कैसे होगी, तो गणना में प्राकृतिक वृद्धि बराबर होता है जन्म माइनस मृत्यु। सिंपल सा था। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है। तो आंसर हो जाएगा, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म मृत्यु और आपरवास और उत्परवास के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, यहाँ वास्तविक वृद्धि आएगा, उस क्षेत्र की हम वास्तविक वृद्धि कहते हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे आप सही से लिखना। तो देखो वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे होगी, वास्तविक वृद्धि बराबर होता है जन्म माइनस मृत्यु प्लस आपरवास माइनस उपरवास। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आंसर देखिएगा, जब दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या बढ़ जाए तो उसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो वो कहलाएगी धनात्मक वृद्धि। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होता है। देखो जन्म दर अधिक होगा तभी तो जनसंख्या बढ़ेगी, या फिर जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाए, यानी
अपरवास ज्यादा हो उत्प्रवास से, समझे? तो जब अपरवास ज्यादा होगा उत्प्रवास से तो उसको भी हम क्या कहेंगे, धनात्मक वृद्धि। सिंपल सा है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से आप क्या समझते हैं, यानी इस ऋणात्मक वृद्धि आपको इस बार बतानी है। तो देखिए आंसर क्या होगा, यदि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे हम जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे, ठीक है। और ये जो ऋणात्मक वृद्धि है ये तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, ठीक है, या फिर लोग अन्य देश में प्रवास कर जाए, लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में चले जाए, ठीक है, तो उसको भी हम कहेंगे ऋणात्मक वृद्धि। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अप्रवासी कौन होता है? तो ऐसे प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं उनको हम कहते हैं अप्रवासी। सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्प्रवासी कौन होता है? तो ऐसे प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उन्हें हम उत्प्रवासी कहते हैं। तो जिस जगह को छोड़ा जाता है वहाँ पे उन्हें उत्प्रवासी कहते हैं, और जिस नए जगह पे वो लोग जाते हैं उसे हम अप्रवासी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो आंसर हो जाएगा 10 गुना। पिछले 500 वर्षों में मानव जनसंख्या में 10 गुना वृद्धि हुई है, स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, अकेली 20वीं शताब्दी में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो देखो सिर्फ 20वीं शताब्दी में जनसंख्या में 4 गुना वृद्धि हुई, यानी 1901 से लेकर के 2000 तक का जो समय था, इस समय के दौरान जनसंख्या में, पूरे विश्व की जनसंख्या में 4 गुना की वृद्धि हुई है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13, प्रतिवर्ष जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है? देखो ये एक लगभग है, अप्रॉक्स वैल्यू है, तो हर वर्ष जनसंख्या में लगभग 8 करोड़ की वृद्धि होती है, ठीक है, जो कि 1.4% है, तो इसको भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्पॉर्टेंट है, 5 अरब से 6 अरब जनसंख्या होने में कितने वर्ष लगे थे? तो 10 वर्ष लगे थे। तो वर्तमान में जो जनसंख्या है इस जनसंख्या को 5 अरब से 6 अरब यानी 600 करोड़ होने में सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ष का समय लगा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, परिवार नियोजन का उद्देश्य बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो परिवार नियोजन का उद्देश्य होता है बच्चों के जन्म को रोकना या फिर बच्चों के जन्म में अंतराल रखना। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के किन भागों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व है? तो ये तो आज का पहला ही क्वेश्चन था, है ना, तो ये यहाँ पे रिपीटेड है, आप इसको छोड़िए, आंसर भी यहाँ पे गलत है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वहीं से आंसर रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है? तो ये हमने आपको बताया था, जनसंख्या वृद्धि की जो वास्तविक वृद्धि की गणना होती है वो जन्म माइनस मृत्यु जमा आवास माइनस उत्प्रवास, ठीक है, इससे की जाती है, तो ये भी हमने पहले पढ़ा था। आगे देखिए प्रश्न संख्या 18 है, परिभाषिक शब्द जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि की परिभाषा कीजिए। तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी निश्चित अवधि में किसी निश्चित क्षेत्र के निवासियों में वृद्धि होता है तो इसे जनसंख्या की हम धनात्मक वृद्धि कहते हैं, ये भी अभी हमने देखा था, ठीक है। प्रश्न संख्या 19, विश्व के किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है? अफ्रीका। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 20वां देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, विश्व के किन्हीं दो विरर मतलब होता है कम जनसंख्या वाले प्रदेशों के नाम बताएं जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में एक व्यक्ति से भी कम लोग रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा उष्ण मरुस्थल, जिसमें हमारा सहारा रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान और अटाकामा रेगिस्तान शामिल है। ये ऐसे जगह हैं जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में एक व्यक्ति से भी कम लोग रहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन है अगर आपके एग्जाम में आएगा ना तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है, निवास स्थान के आधार पर विश्व की जनसंख्या को किन दो वर्ग समूह में बांटा गया है वो बताना है, और इन दोनों वर्ग समूहों की विशेषताएं भी बतानी है, ठीक है। तो आंसर देखिएगा, निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान यानी लोग जहाँ रहते हैं उसके आधार पर विश्व की जनसंख्या को दो भागों में विभाजित किया गया है, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या यानी रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन,
ठीक है। अब इनकी विशेषता के बारे में बताना है, तो देखो पहले ग्रामीण जनसंख्या का पढ़ते हैं। गाँव में रहने वाली जनसंख्या को हम ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। गाँव में रहने वाली जो ग्रामीण जनसंख्या होती है, इसका मुख्य व्यवसाय कृषि या फिर कृषि कार्यों से संबंधित व्यवसाय होता है, ठीक है। इसके साथ ही ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न होता है, ठीक है। अब नगरीय जनसंख्या की विशेषता देखते हैं। तो जो नगरीय जनसंख्या है, तो नगरों में रहने वाली जनसंख्या को हम नगरीय जनसंख्या कहते हैं। नगरीय जनसंख्या का व्यवसाय उद्योग और सेवाएं होती है, और नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर ग्रामीण के अपेक्षा में ऊंचा होता है, ठीक है। समझ में आया होगा, सिंपल सा था। पर्सन संख्या वाइज जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में और इसके आने के 100% चांस, ठीक है। देखो जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, तो जनसंख्या वृद्धि एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर होने वाली जनसंख्या संबंधी परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। तो एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, इसी को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अभी हमने देखा था कि यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। इस परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, और संसार की जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर जो है ये 1.4% है, ये भी अलग से एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। पर्सन संख्या 23 जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक के नाम बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीन घटक है जिनसे किसी भी देश की या किसी भी स्थान की जनसंख्या परिवर्तन होती है, तो ये कौन से हैं। पहला है अशोधित जन्म दर, जिसको केवल जन्म दर भी कहा जाता है, अशोधित मृत्यु दर, इसको हम मृत्यु दर भी बोल सकते हैं, और प्रवास, ठीक है। पर्सन संख्या 24 है विश्व जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर क्या है। देखो जब भी दर आएगा ना, यानी आपको प्रतिशत में आंसर देना है, तो विश्व जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर जो है वो है 1.4%, 1.4%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, और ये फिर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी आपका, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, विश्व की निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं, आपको बताना है। तो देखो विश्व में मुख्य तौर पे 4 ऐसे प्रदेश हैं जिनकी जनसंख्या घनत्व निम्न है, ठीक है। इन चारों में सबसे पहला है गर्म मरुस्थल, जिसे अभी हमने देखा था। इस गर्म मरुस्थल के अंदर सहारा, कालाहारी, आटामा और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा अत्यंत ठंडे मरुस्थल, ये इतने ठंडे होते हैं कि यहाँ पे कम लोग रहते हैं, इसी वजह से यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होता है। अब इसमें ध्रुवीय क्षेत्र आ जाता है, जिसके अंदर कनाडा के उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया और अंटार्कटिका आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ठंडे मरुस्थल। ठंडे मरुस्थल मध्य एशिया के शुष्क भाग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से 1 मार्क्स में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ और लास्ट होता है विश्व वित्तीय प्रदेश, जिसमें दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के जायरे द्रोणी आ जाते हैं, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 है, पर्वतीय प्रदेश विरर बसे हुए होते हैं। विरर फिर से क्या हो गया, दूर दूर, यानी यहाँ पे जो जनसंख्या होती है वो काफी दूर दूर फैली हुई होती है, तो ऐसा क्यों होता है आपको उदाहरण के सहित बताना है, ठीक है। आंसर समझो, पर्वतीय प्रदेशों में जनसंख्या कम पाई जाती है, ये प्रदेश कृषि और परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं वहाँ पे कृषि आसानी से नहीं होती और परिवहन का भी विकास नहीं हो सकता, ठीक है। इसी वजह से यहाँ बस्तियाँ बसाना कठिन होता है। उदाहरण के तौर पे है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश विरर जनसंख्या प्रदेश है। इसके अलावा रॉकी और एंडीज पर्वतों पर भी जनसंख्या घनत्व कम होती है, ठीक है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 27 है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि विश्व जनसंख्या का वितरण असमान है, आपको 2 उदाहरण देकर समझाना है, ठीक है। अब देखो विश्व जनसंख्या का वितरण असमान है, असमान का मतलब कहीं पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, कहीं पे कम है, ठीक है। तो ऐसा है, अब जॉर्ज जी बी क्रेसी, इंपॉर्टेंट है नाम याद रखिएगा, जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं जॉर्ज बी सी क्रेसी, इनके अनुसार इन्होंने टिप्पणी की थी कि हम विश्व में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और बहुत कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं,
ऐसा जॉर्ज जी बी क्रेसी ने बताया था। आप ये लाइन याद रखना, सीधे सीधे पूछता है कथन दे करके कि ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं, तो आप जो है यहाँ पे भूगोल वेता का नाम भी याद रखेंगे और इनके द्वारा कहे गए शब्द भी याद रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन था कि भारत में असमान जनसंख्या वितरण का उदाहरण देना है, तो उदाहरण देखिए, मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% जो भाग है वो केवल 10% स्थल में पाया जाता है, पहला उदाहरण। दूसरा, विश्व के जो 10 सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं वो केवल उनकी जो 60% जनसंख्या है वो निवास करती है केवल 10 देशों में, यानी पूरे विश्व की जो 60% जनसंख्या है वो सिर्फ 10 देशों में ही निवास करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट है, फिर से, खनिज क्षेत्र क्यों घने बसे रहते हैं कारण बताओ, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे खनिज पाए जाते हैं वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा क्यों होता है, आपसे ये पूछ रहे, ठीक है। आंसर देखो क्या होगा, खनिज क्षेत्र उद्योग को आकर्षित करते हैं, ठीक है, ये रोजगार उत्पन्न करते हैं, खनिज क्षेत्रों के आसपास कुशल और अकुशल श्रमिक दोनों बसते हैं, ठीक है, इन्हीं सभी कारणों की वजह से यहाँ पे जनसंख्या सघन हो जाती है ना। और उदाहरण की अगर हम बात करें तो अफ्रीका की जो कंडगा जाम्बिया क्षेत्र है वो घने बसे खनिज क्षेत्र है, याद रहेगा। यह है हमारी आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 29 है, अशोधित मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है, इसके प्रभाव बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, अशोधित मृत्यु दर किसी विशेष क्षेत्र में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को दिखाता है, ठीक है। अब इसकी गणना का जो फॉर्मूला होता है उसमें किसी विशेष वर्ष में, यहाँ वर्ष आएगा, आप लोग यहाँ वर्ष लिखिएगा, किसी विशेष वर्ष में मृतकों की संख्या, उसको हम भाग लगाते हैं उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या से, और क्योंकि ये दर में निकाला जाता है तो इसको हम 1000 से गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रति हजार जनसंख्या के ऊपर इसको निकाला जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसके प्रभाव भी पूछा गया था, तो अब इसके प्रभाव में देखिए, मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनसंख्या संरचना, वहाँ की सामाजिक उन्नति, आर्थिक विकास, इनके स्तर के द्वारा प्रभावित होता है, और अगर किसी क्षेत्र की मृत्यु दर अधिक होने पर वहाँ की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हो जाती है, इसको भी याद रखेंगे, समझ में आया, ठीक है। तो देखो, आज थोड़ी गला बैठा हुआ है, आवाज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अजीब लगी हो तो उसको आज के लिए आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड चैप्टर का हम लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कवर हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में आपका कल ही अपलोड करूँगी, जिसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे कल वाली वीडियो में, ठीक है। और इसके बाद ना मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भी दे दूंगी, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों के पीडीएफ मैं एक साथ इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, आपको बार बार वीडियो पे आने की जरूरत नहीं। वीडियो को देखो, सिर्फ एक ही बार देखा करो, कॉन्सेप्ट को समझा करो, क्वेश्चन को समझ लिया करो, उसके बाद या तो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो या फिर पीडीएफ से पढ़ा करो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। तो इसको कर लेना, अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी आज हमने करवाए, एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहीं से जरूर आएंगे, इससे आगे आएगा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, मैं उस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो अब आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।